दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है कस्टम यूआरएल, उसके बारे में सब कुछ, और यूआरएल के फायदे, कस्टम यूआरएल इनेबल करने के क्या क्या फायदे होते हैं, और कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही कस्टम यूआरएल को कैसे इनेबल करें ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कस्टम यूआरएल आखिर है क्या, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो कस्टम यूआरएल सिंपली आपका देख लीजिए, एक चैनल का नॉर्मल यूआरएल है, ये यूआरएल शायद वर्किंग नहीं होगा, मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया, कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, आपका भी चैनल होगा, आपका भी ऐसा ही होगा, लेकिन कस्टम यूआरएल में आपका चैनल नॉर्मल ही हो जाता है। जैसे मेरा देख लीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी आर्ट है, नॉर्मल बिल्कुल याद रखने वाला यूआरएल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके यूआरएल को लोग आसानी से याद कर पाएंगे, उनके दिमाग में बैठा रहेगा, हाँ ये टाइप करेंगे आ जाएगा, तो वो जल्दी से सर्च कर सकते हैं। या फिर आपको भी कभी किसी के साथ शेयर करना हो तो शेयर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं यूट्यूब कस्टम यूआरएल के फायदे क्या क्या हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जब आपके कस्टम यूआरएल जब आप इनेबल कर लेते हैं तो आपके चैनल पे दो यूआरएल खुल जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल यूआरएल से भी इंसान आपके चैनल पे पहुंच जाएगा, और जो आपका कस्टम यूआरएल है उससे भी आपका जो कस्टमर है, मतलब जो भी आपके जो ऑडियंस है, वो आपके चैनल पे पहुंच जाएंगे कस्टम यूआरएल से भी। ऊपर आपको नॉर्मल यूआरएल दिख रहा होगा और उसके नीचे आपको कस्टम यूआरएल दिख रहा होगा, तो दोनों से ही आपकी ऑडियंस आपके चैनल पे आ सकती है, और बहुत ही इजी होता है इसे शेयर करना, आप जल्दी दिमाग में इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है लर्न करना, और शेयर भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, जैसे फेसबुक का कस्टम यूआरएल मेरा ये है, इंस्टाग्राम का ये है, और ट्विटर का ये है, तो कितना ईजी है लर्न करना, ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये है इसका यूआरएल, याद जल्दी हो जाता है, और शेयर करने में जरा सी प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कस्टम यूआरएल की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिए, सबसे पहले आपके चैनल पे 100 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और ये बात नहीं है, मतलब कई चैनल होते हैं जिसके एक दिन में ही 100 हो जाते हैं, तो वो नहीं, आपको 30 दिनों तक इंतजार करना है। अगर आपके जल्दी हो गए हैं, 2-3 दिन में ही आपके 100 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, तो आपको 30 दिनों तक वेट करना होगा, लगभग 1 मंथ आप इंतजार करेंगे तो आपका कस्टम यूआरएल इनेबल किया जाएगा। उसके बाद एक और दो चीज और होनी चाहिए, आपके चैनल पे लोगो भी लगा होना चाहिए, और पीछे का जो बैनर होता है चैनल आर्ट, वो भी लगी हुई होनी चाहिए, तभी आपका कस्टम यूआरएल इनेबल होगा। आप बात करते हैं कैसे करते हैं कस्टम यूआरएल को इनेबल, तो इसके लिए आप अपना चैनल यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लीजिए और उसकी सेटिंग्स में चले जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चैनल में चले जाना है, देन एडवांस सेटिंग्स में चले जाना है, और उसमें आपको नीचे चले जाना है पेज को, जो थोड़ा सा विंडो है उसको स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ आपको यूट्यूब अकाउंट दिख रहा होगा, मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, या आप यहाँ चले जाइए या एडवांस यूट्यूब सेटिंग्स पे वहाँ चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एक ऐसा पेज दिखेगा, पहले ही नीचे आएंगे तो यहाँ आपको व्यू एडवांस सेटिंग्स भी दिख जाएगी, तो उस पर आपको व्यू एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। व्यू एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिख जाएगा, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हैं तो वहाँ क्लेम इट हेयर का ऑप्शन आएगा, देख लीजिए कस्टम यूआरएल के सामने क्लेम इट हेयर का भी ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी कि आपका कस्टम यूआरएल कैसा दिखेगा। तो नॉर्मल देख लीजिए, आपका कस्टम यूआरएल ऐसा है, youtube.com/c/digitaltechnologyart ये है, लेकिन अगर आप खुद भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके नीचे आपको एक और डॉट दिख जाएगा, देख लीजिए उसके नीचे आपको दो डॉट दिख रहे हैं, एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आर्ट मतलब चैनल के नाम से ही आपको दिख रहा है, और उसके नीचे एक आप खुद भी कुछ ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए इसके बाद आपको क्या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्लैश रिलेश मिश्रा ऐड करना है, या ओनर रिलेश मिश्रा, कुछ भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो भी मुझे ऐड करना है, पर मुझे नहीं करना तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ऐसे अगर आप चाहते हो ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपको इसे क्रॉस कर देना है अगर नहीं करना, और फिर आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ आपको चेंज यूआरएल का ऑप्शन दिखेगा, नीचे आपको आई हैव रीड द टर्म्स एंड पॉलिसीज उस पर टिक कर देना है, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा, फिर ये दिखाएगा कि कंफर्म कर लीजिए अपना यूआरएल कि आप यहीं रखना चाहते हैं, तो आपको कंफर्म कर लेना है, और अगर आप बार बार इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप करिएगा ये मत बार बार चेंज, वैसे कई बार होता है कि कस्टम यूआरएल को आप डिलीट करके चेंज कर सकते हैं, पर मत करिएगा, नहीं करना चाहिए, एक बार जो बना दिया वहीं रहना चाहिए, बार बार इसको नहीं बदलते, ठीक है। तो मैंने अपना नॉर्मल सा बना दिया है कस्टम यूआरएल, मेरा इनेबल हो गया है, तो देख लीजिए अभी जो मेरा चैनल आया है, जो इसने मेरा चैनल ओपन करके दिया है, उसमें तो मेरा नॉर्मल यूआरएल ही आ रहा है, जो मेरा डिफिकल्ट सा है वो, तो एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि जो कस्टम यूआरएल है वो इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, सबसे पहले ऊपर यहाँ नॉर्मल लिंक है, बिल्कुल ही बड़ी सी एकदम बेकार सी, तो उसे हम चेंज करेंगे, तो यहाँ हम चले जाते हैं दूसरे पे, और हम अपना जो लिंक है उसे मैं सर्च कर लेता हूँ। देख लीजिए, जैसे ही मैंने अपनी लिंक को सर्च करा तो जी हाँ, मेरा चैनल ही ओपन हो रहा है फिर से,
तो देख लीजिए आप, मतलब कि कस्टम यूआरएल नेबर हो चुका है, तो दो लिंक्स बन गई हैं। एक इस लिंक से भी मेरी ऑडियंस यहाँ पे आ सकती है, और चाहे तो ये इस लिंक से भी जो मेरा अभी जो कस्टम यूआरएल है उससे भी आ सकती है। आपको शेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कस्टम यूआरएल नेबर कर रखा है, आपके दिमाग में ही रहेगा, आप टाइप करके भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको चल गया होगा पता कि कैसे आप कस्टम यूआरएल को इनेबल कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, दूसरों यूट्यूबर्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।